हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और दोस्तों, अभी सुबह के कितने बजे पापा? अभी 6 बज रहे हैं। 6 अरब भी रेडी हो गया है, देखिए एकदम स्कूल जाने के लिए अरब रेडी हो गया है। और फिलहाल मैं भी रेडी हो गया हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना है कहीं ऑफिस जाना है। और साथ में ये मेरा आशा सुबह ही उठी है बेचारी, एकदम 4:30 बजे उठना पड़ता है दोनों बच्चे को रेडी करने के लिए। अभी हम इसको लेके निकल रहे हैं, फिर छोटा हुआ जाएगा स्कूल, है ना। चलिए दोस्तों, अभी क्या हुआ ना कि हमको बनाना था वीडियो। आरफ के पापा बोले तुम वीडियो बनाओ, और वो गाड़ी से लेके गए आरफ को, और हम वीडियो ऑन ही नहीं किए थे, और आरफ को लेके गए आरफ के पापा, और वो वाला क्लिप मेरा सूट नहीं हो पाया। और हमको लगता है कि हमको बहुत डांट पड़ने वाला है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये है मेरा बगान, और यहाँ बहुत सारी सब्जी है, तो आपको दिखाते हैं कि सब्जी अभी कितना बड़ा हुआ है, किसी में सब्जी आया है कि नहीं, तो चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहला है ये हमारा बोदी, इसको बरबटी भी बोल सकते हैं। बहुत बड़े बड़े लत हो रहे हैं अभी, इसमें बहुत सारे काम है करवाने के लिए। वो डंडा वगैरह लगा के इसको पूरा अच्छे से तार वार से झांक बोलते हैं, वो कराना होगा। चीटी लग रहा है। और यहाँ देख सकते हैं हमारा बोदी आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, उसमें भी आप देख सकते होंगे दो दो एक साथ है। तो बोदी तो बहुत सारा आ रहा है, अभी हमको लगता है एक हफ्ते में आ जाएगा पूरा। ये देख सकते हैं सब में भिंडी आ रहे हैं, लेकिन अभी एक हफ्ता लगेगा टाइम, तब जाके ये हम लोग तोड़ सकें। और बैंगन की कुछ पौधे लगाए थे, तो चलिए दिखाते हैं बैंगन। तो ये रहा हमारा बैंगन का पौधा, और इसमें बैंगन भी आ रहा है। सारे पौधों में फूल वगैरह तो आ ही चुके हैं, अभी तक फला नहीं है सही से, इसमें भी फूल आ रहे हैं, सब में फूल आ रहे हैं। तो सब धीरे धीरे हमको लगता है एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता में सब में आ जाएंगे फल। तो अब घर की सब्जी बनेगी घर पे। और अब तो दोस्तों, जैसे कि आरफ और आरफ के पापा चले गए, एक ऑफिस गए, एक स्कूल गया, तो अभी जस्ट हम नहा के रेडी हुए हैं। रेडी क्या, थोड़ा बहुत रेडी हुए हैं। अभी लगभग दोपहर के 11:30 बज रहे हैं, और मतलब पूरा धूप से भरा हुआ है, एकदम बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है। वैसे भी इस महीने में बहुत ज़्यादा धूप निकलती है, और कल ही मतलब कुछ दिन के बाद तीज है, फिर जीतिया है, दुर्गा पूजा है, तो ऐसे मतलब धूप में ऐसे मौसम में उपवास रखना, बिना मतलब पानी पिए रहना, तो मतलब एक बोलते हैं ना कि औरत को क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, तो बस। और अभी जैसे कि मैंने अपना रूम वूम क्लीन किया, बहुत लोगों को कंप्लेन है कि मैं अपने रूम को साफ़ नहीं रखती, पर एक्चुअली क्या होता है ना कि टाइम नहीं मिल पाता है कि हम रूम को साफ़ कर सके वैसे अच्छी तरीके से। और जैसे कि ये जो सोफ़ाज वगैरह है, तो इनके कवर मुझे ख़रीदने हैं। अभी विंडो लगा नहीं है हमारा, और बेडशीट भी कुछ नया नहीं है, सब पुराने हैं। अभी कुछ भी हमारा मतलब बोलते हैं ना कि एक घर को सजाने में और एक दुल्हन को सजाने में जितना आप सजाओगे वो उतना सुंदर लगता है, तो वैसा वो हाल है। तो अभी हम लोग मतलब जस्ट हम नहा वहा के आए हैं, दोपहर का खाना ही बना रहे थे, अभी हम बना रहे हैं करेले की भुजिया। तो ये देख सकते हैं करेले की भुजिया बना रहे हैं, यहाँ पे भिंडी निकाल के रखे हुए हैं, सोच रहे हैं भिंडी की सब्जी, करेले की भुजिया, चावल दाल बनाएंगे। और थोड़ा बहुत रूम को साफ सुथरा किए, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा भाई कि मेरे सब्सक्राइबर को अच्छा नहीं लग रहा है घर हमारा, तो अब कुछ भी वैसे स्टोर करने का सामान नहीं है, धीरे धीरे खरीदा जाएगा तो फिर सब सेट हो जाएगा। और यहाँ मेरा दोनों बतख बर्तन वगैरह सब धोए हैं, अभी जस्ट इस सब को अंदर करेंगे। और यहाँ पे एक कंगना था, उसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि उसकी वजह से भी अच्छा नहीं दिख रहा था। अभी हम जा रहे हैं खाना बना लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर आरव और आरव के पापा सबको ही आ जाएंगे। आज छोटे बाबू हमारा स्कूल नहीं जा पाया, क्योंकि आरव के पापा चले गए ऑफिस,
और अगर इसको ड्रॉप करते टाइम तो ड्रॉप कर देते, लेकिन जब लाना था तो नहीं हो पाता क्योंकि उनका ऑफिस का टाइम मैच नहीं कर रहा था। इसी वजह से आज हमने छोटे बाबू को लीव कर दिया है, मज़े से वो घर में है और यहाँ देख सकते हैं कितना मज़े से आराम से सो के फ़ोन देख रहे हैं। आजकल के बच्चों को तो बस फ़ोन चाहिए होता है और बस इसी आदत को छुड़ाने के लिए हम लोग इसको स्कूल में डाले हैं, क्योंकि घर पर रहता है ना तो सिर्फ फ़ोन देखेगा, मामा के पीछे पीछे करेगा, कुछ फ़ोन देखेगा फिर मामा के पीछे पीछे करेगा, तो इसी वजह से इसको एडमिशन करा दिए हैं। जो भी सीखे नहीं सीखे, कल तो पहला दिन था, कल तो छोटा बाबू बहुत ज़्यादा मतलब आधा घंटा के बाद ही रोने लगा था। स्कूल से फ़ोन आया हम लोगों को कि बच्चा रो रहा है, फिर भी हम लोग गए नहीं, बोले कि थोड़ी देर उसको रहने देते हैं, वरना अगर रोते रोते पहुंच जाएंगे ना तो दोबारा से फिर वो ऐसे ही करेगा और फिर हम लोग को रोते रोते पहुंचना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम आरफ के टाइम में तो हम बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं ना, फर्स्ट बेबी में सबको ही बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, सेकेंड बेबी में थोड़ा लगता है कि नहीं थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, तो बस ऐसा चल रहा है अभी लाइफ और देखते हैं अभी क्या होता है। अभी आरव के पापा आएंगे, आएगा उसके बाद देखते हैं आगे का प्लानिंग क्या होता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कोलकाता का जो भी केस है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है उस पर मैं आज फिर बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 भगवान उनको जल्दी से जस्टिस मिले, क्योंकि सबको ही लगा हुआ है, CBI लगी हुई है, सबको ही लगा हुआ है। मैंने इतने अच्छे से वीडियो बनाया था कि ब्लॉगर्स आगे आए, बोले, वीडियोस बनाए, लेकिन शायद मेरी बात उन तक नहीं पहुंची, पर कोई बात नहीं, लेकिन मैं भगवान से दिल से दुआ करूंगी कि उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले। तो दोस्तों जैसे कि करेला फ्राई कर ली है, तो अभी बना रहे हैं भिंडी, तो भिंडी का हम कॉल करके इनसे पूछे थे, ये बोले कि कुछ भिंडियाँ बना दो, सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो इसी वजह से फिर से अभी भिंडी का भिंडियाँ बना रहे हैं। और जब तक ये थोड़ा सा भूजेगा इसको थोड़ा सा गैस का फ्लेम कम करके, और जा रहे हैं कपड़ा एक बाल्टी धो के रखे हैं उसको थोड़ा सा पसारेंगे दिए हैं, तब ये सारे कपड़े हम कहाँ पसारेंगे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी चलते हैं देखते हैं कुछ जुगाड़ करते हैं, नहीं हो पाएगा तो फिर आरब के पापा आएंगे तब पसारेंगे। तो चलिए चलते हैं, बाल्टी तो लेके ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर रखा हुआ रहेगा तो फिर गंदा हो जाएगा, तो बाल्टी लेके जा रहे हैं। और यहाँ देखिए आलू का चोखा बना के रखे थे, चावल भी बन चुका है, तो कुल्फी लेके आए हैं, मम्मा को दे देते हैं। बचपन का याद आ गया आज सही में आया बाहर में नहीं। तो आरव और छोटा बाबू दो दो कुल्फी ले लिया है, यहाँ पे मान नहीं रहा था। तो यहाँ ये लोग बगान का काम कर रहे हैं और छोटा बाबू आरव सब कोई मिलके क्रिकेट खेल रहा है, ये उनका बच्चा है तो आया है, तो आरव और छोटा बाबू को भी मजा आ रहा है क्रिकेट खेलने में।